जिला रविदास महासभा के तत्वधान में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती के अवसर पर महासभा का हीरक जयंती 75वां वार्षिक समारोह का आयोजन अलवापुर मोहल्ले में स्थित रविदास मंदिर में किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने संत रविदास की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला रविदास महासभा के महामंत्री सूरज कुमार भारती ने कहा, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, हमारे अगुआ हैं, उनको नमन करते हुए पूर्णवासी जी इसी मैं जिला रविदास महासभा का महामंत्री सूरज कुमार भारती। आज कार्यक्रम संत शिरोमणि गुरु रविदास की 644वीं जयंती का आप देख रहे हैं, जो भव्य दृश्य आपके सामने दिख रहा है, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास की 644वीं जयंती पे दिख रहा है। सबसे बहुत खास बात आज के हमारे लिए ये है कि जिला रविदास महासभा जो 1949 से समाज को एक दिशा देने का काम कर रहा है, संत शिरोमणि गुरु रविदास के विचारों को फैलाने का काम कर रहा है, उसका आज ये 75वां संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह है, जिससे हम सभी बहुत हर्षोल्लित हैं। ये मंच, ये लोग जो आपको दिख रहे हैं सभी, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास के जन्मोत्सव पर एकत्रित हुए हैं। जिला रविदास महासभा का ये परंपरा रहा है कि हम पूर्व संध्या से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, संत रविदास के वाणी को भजन कीर्तन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसकी शुरुआत कल विधिवत रूप से हो चुकी है। आज यहाँ पर शहर के मोहल्लों के लोग संत शिरोमणि गुरु रविदास के विचारों को झांकी का रूप प्रदान करके यहाँ पर एकत्रित होते हैं और शहर के सारे चौराहों से होते हुए वो फिर यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और एक आयोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वही दृश्य आपको जो दिख रहा है, सब लोग बहुत ही हर्षोल्लित हैं